हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जनित एजुकेशन। आज की वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करूंगी क्लास 12th केमिस्ट्री की पार्ट वन बुक के सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मतलब आपको आज की इसी एक वीडियो में एक साथ चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 9 तक के सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले हैं, जो कि आपके लेटेस्ट ब्लूप्रिंट के ऊपर बेस्ड होने वाले हैं और इसीलिए आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि इनमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको फाइनल बोर्ड एग्जाम के पेपर में ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो अगर आप केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको वीडियो में दिखाए जाने वाले एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल बाय हार्ट प्रिपेयर कर लेना है। लेकिन अगर आप ये वीडियो देखने में लेट हो गए और आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप सारे क्वेश्चन प्रिपेयर कर सकें, तो आप जैसे स्टूडेंट्स के लिए भी मैं हर चैप्टर में कुछ 2-3 क्वेश्चन अलग से स्पेसिफाई कर दूंगी। पहले आप उतने कर लीजिएगा ताकि आपका पासिंग मार्क्स या डिसेंट सा स्कोर तो कन्फर्म हो जाए, उसके बाद अगर टाइम बचता है तो आप भी रिमेनिंग क्वेश्चन कर सकते हैं। तो चलिए बिना डिले किए हम क्वेश्चन डिस्कस करना स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 की बात करते हैं, जिसके क्वेश्चन मैं आपको नहीं देने वाली हूँ, क्योंकि इस चैप्टर में से तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस ही पूछे जाएंगे एग्जाम में। उनके बारे में भी मैं आपको बाद में हेल्प करूंगी, ऑब्जेक्टिव की भी प्रिपरेशन मैं करा दूंगी, तो आपको इसका भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो अभी फिलहाल हम चैप्टर नंबर 1 को स्किप करते हैं, सीधे चैप्टर नंबर 2 पे जाते हैं, दैट इज सॉल्यूशन। ब्लूप्रिंट अगर आपने देख लिया है तो आपको पता होगा इसमें से आपको 2 मार्क और 3 मार्क के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बच्चा अगर आपने अब तक ब्लूप्रिंट नहीं देखा है तो उस ब्लूप्रिंट का जो इंग्लिश वर्जन है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ, आप वहाँ से ब्लूप्रिंट जरूर चेक कर लीजिएगा। आप लकी हैं कि ब्लूप्रिंट आपका बहुत जल्दी एमपी बोर्ड ने इस बार प्रोवाइड कर दिया है, तो आपको ब्लूप्रिंट के हिसाब से ही प्रिपरेशन करना चाहिए, वही स्मार्ट तरीका है। अगर आप केमिस्ट्री में कम टाइम में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आप ज़रूर से एक बार ब्लूप्रिंट देख लीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग जिस चैप्टर का वेटेज ज़्यादा हो आप वहीं से फाइनल बोर्ड एग्जाम की तैयारी करिएगा। ये बात ज़्यादातर प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि उन लोगों को तो हाफ ईयरली वगैरह की टेंशन नहीं है, तो वो अपने मन से कोई भी चैप्टर पहले प्रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए हम चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले 2 मार्क क्वेश्चंस में फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, पार्ट्स पर मिलियन, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ऑस्मोटिक प्रेशर, आइसोटोनिक सॉल्यूशन एंड वांट ऑफ फैक्टर। इतने आपको टर्म्स अच्छे से डिफाइन करने हैं विथ फॉर्मूला, और जिनकी यूनिट्स हैं उनकी यूनिट्स भी लर्न कर लीजिएगा। जो भी वो बोलते हैं वो भी आपको लिखना है, जो नहीं पूछा है वो भी आपको लिखना है, तभी आपको इसमें फुल मार्क्स मिलेंगे। इन केस आपसे ये सारे टर्म्स नहीं होते हैं तो फिर उस केस में आप ए बी सी मतलब पार्ट्स पर मिलियन, मोलैरिटी और मोलैलिटी तो ज़रूर से कर ही लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्यूशन में से, स्टेट एंड एक्सप्लेन हेनरीज लॉ। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स विद एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन रिवर्स ऑस्मोसिस, राइट इट्स एप्लीकेशन। ये सारे क्वेश्चन आपको करने हैं इफ़ यू वांट टू स्कोर गुड, लेकिन सब नहीं हो पाते हैं तो इन 3 क्वेश्चन में से 2, 3, 4 में से आप सिर्फ 2 और 3 कर लीजिएगा, वो दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेरेटिवली। नाउ हम चैप्टर 2 सॉल्यूशंस के 3 मार्क क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। 3 मार्क क्वेश्चन में मैंने आपको ये 5 क्वेश्चन दिए हैं जो अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। फर्स्ट, व्हाट इज रॉल्स लॉ, राइट इट्स मैथमेटिकल डेरिवेशन, फाइंड द मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट विद द हेल्प ऑफ इट। क्वेश्चन नंबर 2, राइट डिफरेंसेस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। क्वेश्चन नंबर 3, राइट डिफरेंसेस बिटवीन सॉल्यूशंस हैविंग पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू मीन बाय एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, हाउ कैन यू फाइंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट विद द हेल्प ऑफ इट। क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन मोलर एलिवेशन कॉन्स्टेंट एंड मोलर फ्रीजिंग पॉइंट कॉन्स्टेंट। ये 5 आपको करने हैं, इनके हिसाब से सब नहीं होते हैं, टाइम कम है, तो फिर उस केस में आप क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 जरूर से कर लीजिएगा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ हम बात कर लेते हैं हमारे चैप्टर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। इसमें से आपको सिर्फ एक ही क्वेश्चन देखने को, तो 5 मार्क के क्वेश्चन में मैंने आपको इसमें से टोटल 7 क्वेश्चन दिए हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, जिनमें से स्टार्टिंग के 6 आपको अभी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इज, व्हाट इज कॉलरॉश लॉ, एक्सप्लेन एनी 2 एप्लीकेशंस ऑफ कॉलरॉश लॉ। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, हाउ इज इट प्रिपेयर्ड। क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ गैल्वेनिक सेल एंड एक्सप्लेन सेल रिएक्शंस। क्वेश्चन 4, स्टेट एंड एक्सप्लेन फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। क्वेश्चन 5, व्हाट इज सेल कॉन्स्टेंट, व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन स्पेसिफिक कंडक्टिविटी एंड सेल कॉन्स्टेंट। क्वेश्चन 6, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन नर्नस्ट इक्वेशन। ये स्टार्टिंग के 6 क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं रीड आउट करके, इसमें से अगर आपसे सब नहीं होते हैं तो फिर उस केस में आप क्वेश्चन नंबर 1,
2 और 3 कर लीजिएगा, उनको नहीं छोड़ना है। बाकी सब भी कर लेते तो अच्छी बात है, बट नहीं हो रहा है तो स्टार्टिंग के 3 आप कर सकते हैं। इस चैप्टर से एक और क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन 7, एक्सप्लेन द फॉलोइंग। ए है आपका ओम्स लॉ, बी इज स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, सी इज मोलर कंडक्टिविटी, डी इज इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो यह हो गया आपका चैप्टर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। नाउ हम बात कर लेते हैं चैप्टर 4 केमिकल काइनेटिक्स की। इसमें से आपको सिर्फ 3 मार्क के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और बहुत ही कम क्वेश्चन इसमें से। क्वेश्चन नंबर 1 इज राइट डिफरेंसेस बिटवीन रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 2 राइट डिफरेंसेस बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलैरिटी। क्वेश्चन नंबर 3 डिराइव एक्सप्रेशन फॉर रेट कांस्टेंट ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्वेश्चन 4 राइट यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट दैट इज के फॉर जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर एंड थर्ड ऑर्डर रिएक्शंस। क्वेश्चन नंबर 5 डिफाइन द फॉलोइंग। ए आपका है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, बी है हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन, सी है थ्रेशोल्ड एनर्जी और डी है रेट। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 6 होता है ऑन व्हाट फैक्टर्स रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन डज डिपेंड, एक्सप्लेन एनी 3 ऑफ देम। क्वेश्चन नंबर 7 है डिराइव हाफ लाइफ पीरियड फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये 7 क्वेश्चन इसमें से मैंने आपको इंपॉर्टेंट दिए हैं, और इतने नहीं होते हैं तो उस केस में आपको इस चैप्टर के स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चन कर लेने हैं जो कि अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अपने चैप्टर नंबर 5 सरफेस केमिस्ट्री की। इसमें से आपको 2 मार्क के ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है डिफाइन द फॉलोइंग, गोल्ड नंबर, ब्राउनियन मूवमेंट, सेकंड है सी आपका टिंडल इफेक्ट, डी पेप्टाइजेशन, ई कोएगुलेशन और एफ इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसमें से सारे नहीं होते हैं डेफिनेशन आपसे अगर, तो उस केस में आप ए, बी, सी और ई ज़रूर से कर लीजिएगा, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर 2 है आपका राइट डिफरेंसेस बिटवीन लायोफिलिक सोल एंड लायोफोबिक सोल, थर्ड है स्टेट हार्डीशिल्स लॉ, फोर्थ है व्हाट इज फ्रॉनलिच एडसॉर्प्शन आइसोथर्म, 5 है व्हाई स्काई ब्लू इन कलर, 6 है व्हाट हैपेंस व्हेन बीम ऑफ लाइट पासिस थ्रू अ कोलॉइडल सॉल्यूशन, 6 का बी है व्हाट हैपेंस व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू सोल। ये सारे क्वेश्चन अगर आपसे नहीं होते हैं तो उस केस में आप क्वेश्चन नंबर 2, 4 और 5 कर लीजिएगा, इनको नहीं छोड़ना है। देखिए बच्चों, मैं आपको हर चैप्टर में से इतने ज़्यादा क्वेश्चन इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अभी के टाइम पे आपका स्कोर हाई होना चाहिए। आपका 70 मार्क्स का पेपर आएगा तो कम से कम आपका टारगेट होना चाहिए कि 65 से ज़्यादा आपके मार्क्स आएँ। तो उसके लिए अगर आप हर चैप्टर में से 4-4 क्वेश्चन करके जाएंगे तो प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं है, ये आप भी समझ रहे होंगे। तो इसीलिए मैंने इतने सारे क्वेश्चन दिए हैं कि कहीं भी आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में मिस होने के चांसेस ना बने। लेकिन आपसे अगर इतने नहीं होते हैं तो आपके पास कम क्वेश्चन करने का भी चॉइस है जो मैं आपको साथ में बताती चल रही हूं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा चॉइस लेते हैं। नेक्स्ट हम चैप्टर 7 की बात कर लेते हैं जो कि हमारा है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। सबसे पहले हम ग्रुप 15 नाइट्रोजन फैमिली के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। इस पूरे चैप्टर में से आपको 2 मार्क के क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले ग्रुप 15 की बात कर लेते हैं। अब मैं आपको एक्चुअली ना रीड आउट करके नहीं बताती हूँ क्वेश्चन क्योंकि वीडियो बेवजह लंबी हो रही है। तो अभी आपको स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चन इस ग्रुप में से दिखाई दे रहे हैं। इस ग्रुप में से जो 4 क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं उस 4 में से आपको सारे ही तो करने ही हैं, आपको पता है। लेकिन आपसे नहीं होते हैं सारे तो उस केस में आप फिर सेकंड वाला क्वेश्चन पक्के से कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इस ग्रुप का। नेक्स्ट हम ग्रुप 16 की मतलब ऑक्सीजन फैमिली की बात कर लेते हैं। आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे स्क्रीन पर। इस वाले ग्रुप में से मैंने आपको 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं जिसमें से 3 अब आपको दिखाई दे रहे हैं। ये 3 जो हैं इनमें से आपसे सारे नहीं होते हैं तो उस केस में आप क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कर लीजिए। नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस अब आपको दिखाई दे रहे हैं तो इनमें से आप सिर्फ 5 कर लीजिए। वैसे तो सारे करने हैं बट नहीं होते हैं तो आपको कौन कौन से करने हैं, क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 5, राइट। नाउ हम नेक्स्ट ग्रुप की बात कर लेते हैं, दैट इज ग्रुप 17 हैलोजन्स। हैलोजन्स में से भी आपको सेम 2 मार्क के क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे। इसमें मैंने आपको 8 क्वेश्चंस दिए हैं, इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि कंपैरेटिवली इस ग्रुप में से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो जिसमें से स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन आपको अभी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, ये सारे नहीं होते हैं 5ों आपसे तो उस केस में फिर आप कर लीजिए क्वेश्चन 1, 3 एंड 5। लास्ट 3 क्वेश्चन 6, 7, 8 अब आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। इसमें से आपको 6 और 7 पक्के से कर लेने हैं अगर सब नहीं होते हैं तो, राइट।
हम नेक्स्ट ग्रुप की बात कर लेते हैं, हमारा ग्रुप 18 दैट इज नोबल गैसेस। इसमें से तो कम ही क्वेश्चन है आपके, 8 क्वेश्चन है, बहुत छोटे छोटे से भी हैं। तो इन 8 में से स्टार्टिंग के 6 आपको अब स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, ये 6 के 6 आपसे नहीं होते हैं, तो उस केस में आपको क्वेश्चन नंबर 5-6 कर लेने हैं। और अगले पेज पे आपको 2 क्वेश्चन और दिखाई दे रहे हैं, तो इसमें से आपको क्वेश्चन नंबर 7 पक्के से कर लेना है। ठीक है, ये हो गया आपका पूरा पी ब्लॉक एलिमेंट्स कंप्लीट। नाउ हम चैप्टर 8 डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। इसमें से भी आपको एक 5 मार्क का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है आपके लिए। और क्वेश्चन भी इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, बहुत ही कम है, लाइक टोटल मैंने 7 ही क्वेश्चन आपको दिए हैं, वो भी नहीं हो पाएंगे आपसे अगर पूरे, तो मैं आपको दूसरा ऑप्शन भी बता दूंगी। तो देखिए, पहले 4 क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, इन चारों में से क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वैसे तो उसके सभी इम्पॉर्टेंट हैं, तो आप कर लेंगे अगर सभी थोड़ा ट्राई करके तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं होता है तो क्वेश्चन नंबर 1 पक्के से कर लीजिएगा, उसके अलावा 2 और 3 भी आप कर सकते हैं, इम्पॉर्टेंट है। फिर अगले 5, 6, 7 क्वेश्चन आपको अब स्क्रीन पर दिखाई दे, आपको क्वेश्चन नंबर 7 पक्के से कर लेना है, प्लस 5 का क्वेश्चन नंबर डी और क्वेश्चन नंबर सी कर लीजिए आप, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये हो गया आपका चैप्टर 8। नाउ हम लास्ट चैप्टर पे आ गए हैं आपकी पार्ट 1 बुक के, दैट इज़ चैप्टर 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। इसमें से भी आपको 2 मार्क का ही क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है, जिसमें से आपको पता होगा कि IUPAC नॉमेनक्लेचर इसमें से आता ही आता है, 97% चांसेस होते हैं कि IUPAC नॉमेनक्लेचर आता है, जो मैं आपको अलग से बता दूंगी, उसके क्वेश्चन मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किए हैं, क्योंकि वो बताने का कोई सेंस भी नहीं बनता है, वो हमें सिखाना पड़ेगा। तो मैं सोच रही हूँ, मेरा इंटेंशन ये है कि मैं आपको वो नॉमेनक्लेचर चैनल पे अलग से सिखा दूँ, तो सिखाते हुए ही मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रिपेयर करा दूंगी, और बाकी जो थ्योरी क्वेश्चन बचते हैं जिनके आने के चांसेस है, वो आपको अभी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। तो ये मैंने टोटल आपको 6 क्वेश्चन दिए हैं, अगर आपसे सारे नहीं होते हैं तो आप क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 कर लीजिए इसमें से। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा कि जो बच्चे फुल स्कोर करना चाहते हैं उन्हें वीडियो में दिए जाने वाले सारे क्वेश्चंस करने हैं, जो सिर्फ डिसेंट स्कोर लाना चाहते हैं, सिर्फ अच्छे नंबर से पास होना चाहते हैं, वो सिर्फ उतने क्वेश्चन भी कर सकते हैं जितने मैंने अलग से बोलकर स्पेसिफाई कर दिए हैं। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, पार्ट 1 केमिस्ट्री का सारा क्लियर हो गया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है और आप इसका पार्ट 2 चाहते हैं मुझसे, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा। और सेम अगर आप केमिस्ट्री के साथ साथ फिजिक्स और मैथ्स के लिए भी चाह रहे हैं, तो मुझे वो भी लिखकर बताइएगा, तो मैं दोनों सब्जेक्ट की, मतलब फिजिक्स की भी और मैथ्स की भी, ऐसे ही पार्ट 1 बुक की अलग से वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर दूंगी। आई होप मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, थोड़ी भी पसंद आई हो तो अपने किसी एक फ्रेंड के साथ इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका सपोर्ट मुझे मोटिवेट करेगा कि मैं जल्दी ही आगे और भी वीडियो आपके लिए लेकर आऊं। और लाइक भी कर दीजिएगा वीडियो को, अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियो आपसे कभी भी मिस ना हो, सब कुछ आपको पता रहे कि मैं चैनल पे क्या क्या डाल रही हूँ। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।